पलामू आयुक्त एवं डीआईजी ने कांडी प्रखंड में छात्र छात्राओं के लिए आयोजित सम्मान समारोह में भाग लिया। बच्चे कल के भविष्य हैं, वर्तमान पर भविष्य टिका हुआ है। बच्चे अपने से ही धैर्य और ईमानदारी से कठिन परिश्रम करें तो सफलता कदम चूमेगी। परिश्रम को नियमित बरकरार रखनी चाहिए। अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानें, उसका आकलन करें और उसे दूर करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ाई करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, मेहनत से ही आज प्रखंड में अच्छा किए हैं। इस गति को बनाए रखें और आगे भी उन्नति करें। यह बातें आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने कही। वे आज गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड में छात्र छात्राओं के लिए आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। दृष्टि यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सम्मान समारोह हाई स्कूल कांडी के सभागार में आयोजित हुआ था। कार्यक्रम के तहत 10वीं एवं 12वीं में प्रखंड स्तर पर टॉपर एवं टॉप 10 तथा बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, मेडल एवं पौधा प्रदान कर सम्मानित किया गया। आयुक्त ने अच्छी शिक्षा के लिए क्षेत्र में अच्छी और सकारात्मक शैक्षणिक माहौल को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए सुविधा मोहताज नहीं होती, शिक्षा की अच्छी माहौल से बच्चे और बेहतर करेंगे। उन्होंने अभिभावकों से अपील किया कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सभी अभिभावकों को सोचने की आवश्यकता होती है। अभिभावक बच्चों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें। बच्चों की अच्छी शिक्षा को क्षेत्र में चर्चा का विषय बनाएं ताकि दूसरे बच्चे भी उनसे प्रेरणा लें। आयुक्त ने अपने विद्यार्थी जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए बच्चों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को विषय चयन करने को लेकर असमंजस की स्थिति रहती है, जबकि आज शिक्षा के लिए कई समृद्ध माध्यम उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपनी सेवा को ड्यूटी नहीं समझें, बच्चों से लगाव रखें और उन्हें बेहतर मार्गदर्शन और प्रोत्साहित करते रहें। डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने कहा कि यह परीक्षा जीवन का माइलस्टोन साबित होता है। बच्चे ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने बच्चों द्वारा विषय चयन को लेकर अपील किया कि अभिभावक अपने बच्चों को उनके रुचि के अनुसार विषय का चुनाव करने दें, उनका सहयोग करें, उनके मनोबल को टूटने न दें। उन्होंने कहा कि अपनी रुचि के अनुसार विषय चयन कर पढ़ाई करने से बच्चे और बेहतर कर सकेंगे। उन्होंने दृष्टि यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों से अपील किया कि बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करें ताकि बच्चों की पढ़ाई में सहयोग मिल सके। गढ़वा के उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय ने कहा कि 10वीं एवं 12वीं बच्चों के जीवन की शुरुआत है। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि बच्चे और आगे जाएं और कांडी प्रखंड के साथ साथ गढ़वा, पलामू, परमंडल एवं राज्य के नाम को रोशन करें और सम्मान बढ़ाएं। उन्होंने इस सम्मान समारोह कार्यक्रम की सराहना की और उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों को शिक्षा में बेहतर करने का प्रेरणा मिलता है। क्लस्टर स्तर पर सामूहिक खेती करे किसान आयोग। आयुक्त एवं डीआईजी ने कांडी प्रखंड क्षेत्र के किसानों से भी मुलाकात की, उनके द्वारा की जा रही खेती एवं उनकी समस्याओं से अवगत हुए। किसानों ने ईख लेकर पहुंचे थे। किसानों ने आयुक्त से क्लस्टर स्तर पर खेती के लिए मार्गदर्शन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि क्लस्टर स्तर पर सामूहिक खेती से किसानों के आय में इजाफा होगा, साथ ही फसल नुकसान की भी संभावना कम रहेगी। किसानों ने खाद बीज की समस्याओं को लेकर अवगत कराया। आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया कि प्रखंड क्षेत्र में अनुगप्तिधारी खाद एवं बीज विक्रेताओं की सूची तैयार करने और अपनी देखरेख में खाद बीज का वितरण कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कृषि विभाग के BTM को भी निर्देश दिया कि खाद बीज को लेकर किसानों को सहयोग करें। उन्होंने कहा कि खाद बीज दुकानदारों पर कड़ी नजर रखें ताकि किसान ठगे हुए महसूस न हो। लीलगाय से फसल नुकसान की समस्याओं पर आयुक्त ने अंचलाधिकारी को वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर फसल नुकसान हुए किसानों को मुआवजा देने की पहल करने का निर्देश दिया। बेहतर परिणाम के लिए बच्चों को गोद लें शिक्षक। आयुक्त एवं डीआईजी ने हाई स्कूल कांडी में शैक्षणिक व्यवस्था की भी जानकारी ली। स्कूल के प्राचार्य अरविंद कुमार को निर्देश दिया कि स्कूल में शिक्षा दे रहे प्रत्येक शिक्षक को बच्चों को गोद लें और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सुनिश्चित कराएं।
उन्होंने कहा कि स्कूल में किसी तरह की राजनीति नहीं होने दें, शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। आयुक्त ने स्कूल में राजनीति करने वाले शिक्षकों को चिन्हित कर निलंबित करने संबंधित कार्रवाई करने का जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया। साथ ही क्लास लेने के बाद खाली होने पर प्लस टू के शिक्षकों को हाई स्कूल में एवं हाई स्कूल के शिक्षकों को अन्य कक्षाओं में क्लास लेने के लिए निर्देशित भी किया। वहीं अनुपस्थित शिक्षकों की हाजिरी काटते हुए एवं अनुपस्थितों को लेकर स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अनुपस्थित एक शिक्षक की हाजिरी काट दी, साथ ही उनके द्वारा स्पष्टीकरण पूछने की प्रक्रिया की जा रही है। समारोह में दसवीं कक्षा के प्रखंड टॉपर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान लाने वाले सलोनी कुमारी, पीयूष प्रभात, बीतिन यादव एवं बारहवीं कक्षा के अव्वल समीर खान, अभिजीत राज, ज्योति कुमारी सहित 50 से अधिक छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। मौके पर आयुक्त जटाशंकर चौधरी, डीआईजी राजकुमार लकड़ा सहित गढ़वा के उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय, गढ़वा के अंचल अधिकारी सह जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार मयंक भूषण, कैंडी क्रमश पदाधिकारी मनोज कुमार तिवारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अवध कुमार के अलावा दृष्टि यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अमित कुमार, उपाध्यक्ष रवि रंजन टिंकू, प्रधान सचिव शशांक शेखर, सह सचिव मोहम्मद साहिद, उप सचिव निखिल सोनी एवं रोशन कुमार सहित नीरज द्विवेदी, अंकित दुबे, ओम प्रकाश, चंदन सोनी, अरुण कुमार, कन्हई कुमार, विकास कुमार, जयप्रकाश विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित थे।